हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पंचायत स्टडी में। तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है देश को संबोधित किया गया, जिसमें गरीब लोगों को जो है मुफ्त में अनाज देने की बात कही, और जो है 18 से ऊपर लोगों को भी जो है केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है और देश को कौन कौन सी बात जो है कही गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए घोषणा में ये सभी बातें जो है कही गई। तो दोस्तों, 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जो है मुफ्त में जो है वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों, यहां पर वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद खरीद कर राज्य को मुफ्त में देगी। और दोस्तों, 18 साल के ऊपर सभी देशवासियों को मुफ्त में जो है वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। जो व्यक्ति निजी अस्पताल में वैक्सीन लगाना चाहते हैं, वे वैक्सीन की कीमत पर ₹150 सर्विस देकर जो है वैक्सीन लगा सकेंगे। तो दोस्तों, प्राइवेट अस्पताल में जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगाना चाहते हैं, वे ₹150 चार्ज देकर वैक्सीन लगा सकेंगे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जो है देश में 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन का डोज यहां पर दिया जा चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य घोषणा यह भी है कि दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है यह घोषणा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पंचायत स्ट्रीम नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।